विद्या बालन का मैगजीन के कवर पेज पर सेक्सी अवतार, देखिए तस्वीरें। बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन इन दिनों अपनी अदाओं से सबको दीवाना बनाती नजर आ रही हैं। मौन लगवार को जहां पहले डबूरत नानी के कैलेंडर पर अपना हॉट अवतार दिखाया, तो वहीं अब फिल्म फेयर मैगजीन के कवर पेज पर छाई हुई है। अगले महीने यानी फरवरी के लिए विद्या बालन फिल्म फेयर मैगजीन के लिए कवर गर्ल बनी है। सोशल मीडिया पर विद्या बालन की कई तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे देख हर कोई दीवाना हो रहे हैं। इस फोटो में विद्या बालन बेहद हॉट और सेक्सी लग रही हैं। 40 साल की उम्र में भी बेहद सेक्सी और बोल्ड लग रही हैं। खबरों की माने तो विद्या बालन जल्द तमिल डेब्यू करने वाली हैं। अमिताभ बच्चन की हिट फिल्म पिंक की जल्द ही तमिल में रिमेक बनने जा रही है। अब इसके रिमेक में विद्या बालन नजर आएंगी और उनकी यह तमिल डेब्यू फिल्म भी होगी। मीडिया में आ रही खबरों की माने तो फिल्म के निर्माता बोनी कपूर इस फिल्म के साथ साउथ फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख रहे हैं। एच विनोद द्वारा निर्देशित पिंक रीमेक में विद्या अजीत कुमार के साथ देखेंगी। फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी गई है और इसकी शूटिंग हैदराबाद में चल रही है। उन्होंने कहा, विद्या बालन को तमिल दर्शकों से मिलाने की खुशी है। वह अजीत के साथ काम करेंगी और उनकी भूमिका बहुत खास है। श्रद्धा श्रीनाथ को भी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए चुना गया है। फिल्म में रंगराज पांडे ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विद्या बालन ने सबसे पहले छोटे पर्दे पर अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। विद्या बालन ने साल 1995 में जी टीवी पर प्रसारित धारावाहिक हम 5 में काम किया था, जिससे उन्होंने फैंस के दिलों में अपनी जगह बनाई। विद्या बालन ने बॉलीवुड में डेब्यू साल 2005 में आई फिल्म परिणीता किया था। साल 2011 में आई फिल्म द डर्टी पिक्चर में विद्या बालन की एक्टिंग का लोहा पूरी दुनिया ने माना। इस फिल्म में अपनी शानदार एक्टिंग के चलते उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के राष्ट्रीय पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।